नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य लक्ष्मीचंद चौधरी आपका एस्ट्रोमित्रम में स्वागत करता हूँ। हाँ तो मित्रों, हर रोज की भांति आज भी हम लेकर आए हैं आज का राशिफल एवं पंचांग। हिंदी महीना भादव श्राद्ध की 14 है और हिंदी अश्विनी महीना है और वार जो है सोमवार है। दिशाशूल आज जो है पूर्व दिशा में है और आज का नक्षत्र मित्रों उत्तर फाल्गुनी राशि कन्या में है चंद्रमा। योग श्रीवश है करण सौ और सूर्योदय भोपाल का 6:20 और सूर्यास्त है 6:00। राहु काल मित्रों 7:30 से लेकर 9:00 तक है। दिशाशूल आज पूर्व में है, पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचें और यदि पूर्व दिशा में यात्रा करना भी है तो सोम शनिचर पूरब वाचा सोमवार के रोज और शनिवार के दिन पूरब में दिशाशूल होते हैं तो सोमवार के दिन घर से निकलते समय आईना देखकर चलें ताकि आपका दिशाशूल का दोष कम हो जाए। ये रहा उसूर दक्षिणायन, ये रहा आज का पंचांग। अब हम बात करेंगे राशिफल की। तो मित्रों सर्वप्रथम हम बात करेंगे काल पुरुष के चक्र की प्रथम राशि मेष राशि की बात करें। जो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, इसका राशि स्वामी मंगल जो वह व्यक्ति को अति ऊर्जावान बनाता है। उसमें भी कई सवा दो नक्षत्र होते हैं, अश्वनी भरणी कृतिका। अश्वनी नक्षत्र का फल अलग होगा, भरणी नक्षत्र का फल अलग होगा, कृतिका का नक्षत्र का फल अलग होगा। हर तरह से इसका फल तो मेष राशि का छठा चंद्रमा आपको प्रतियोगिता में सफलता दिलाने के योग बना रहा है। साथ ही मौसमी बीमारियों से सावधान रहे, आपका दिन शुभ हो। दूसरी राशि हमारी वृषभ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र और आज वृषभ राशि का पांचवा चंद्रमा प्रणय संबंध की बात करता है, शिक्षा एवं शिक्षा बढ़ाने की बात करता है, शिक्षा के योग बनाने की बात करता है और शिक्षा में नई ऊंचाइयां प्राप्त करने की बात करता है। तो आप कुछ शिक्षा के संदर्भ में कुछ सीखना चाहें तो आप ज़रूर अपना समय शिक्षण के लिए दें, आपका दिन शुभ हो। अगली राशि मिथुन। मिथुन राशि जो है काल पुरुष की तीसरी राशि है, इसका स्वामी जो है बुध है। बुध डबल साइन मिथुन में एक महिला एक पुरुष, अगली राशि एक राशि जो है कन्या और है, उसमें भी दो कन्याएं हैं तो इसमें डबल तरह के फल देते हैं। डबल ये मिश्रित लोग जिसमें जिस तरह के लोगों में मिलते हैं उस तरह हो जाते हैं। तो बुध जो इनका ग्रह स्वामी है, बुध का निजी अस्तित्व कुछ नहीं रहता है। वो यदि शुक्र के साथ रहेगा तो शुक्र जैसा फल देगा, सूर्य शुक्र के साथ फल देगा, सूर्य के साथ सूर्य जैसा फल देगा। और बुध ने बुद्धि, वो बुद्धि को बढ़ाता है, बुद्धि को किस में लगाना है, वो पॉजिटिव ग्रह है कि नेगेटिव ग्रह है, ध्वंसात्मक ऊर्जा वाला ग्रह है कि रचनात्मक ऊर्जा वाला ग्रह है, उसके साथ वो फल देता है। तो मिथुन राशि का चौथा चंद्रमा जो है सरकारी कार्य में आपको अड़चन पैदा करेगा। सुबह आप भगवान शिव की आराधना करके शिव अभिषेक करके निकले और एक भूखे को भोजन कराएं, आपका दिन शुभ हो। अगली राशि में तो कर्क। कर्क राशि काल पुरुष की जो है चौथी राशि है, उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा और सूर्य केवल एक एक राशि के स्वामी है, चंद्रमा कर्क का है और सिंह का सूर्य है। तो तीसरा चंद्रमा पराक्रम में वृद्धि करा रहा है, छोटे भाई से सहयोग मिलेगा, छोटे भाई के माध्यम से काम बनेगा, आपका दिन शुभ हो। अगली राशि सिंह। सिंह राशि काल पुरुष की पांचवी राशि इसका स्वामी सूर्य। सूर्य वाले लोग बड़े मेहनती तो होते हैं, आलसी भी बहुत होते हैं, एक साथ में वो स्पीड में काम करते हैं और छोड़ देते हैं।
उस काम को प्रारंभ तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इनको उसी तरह से निपटाना भी चाहिए। दूसरा, चंद्रमा इनका परिवार एवं धन में वृद्धि करेगा, मन में उल्लास होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका दिन शुभ हो। अगली राशि कन्या। कन्या राशि का जन्म का चंद्रमा, आपका जो कन्या राशि का स्वामी छठी राशि है कालपुरुष की, और उसका स्वामी है बुध। तो कन्या राशि नए कीर्तिमान स्थापित होंगे, नए लोगों से संबंध स्थापित होंगे, मन प्रसन्न रहेगा, आपका दिन शुभ हो। अगली राशि तुला। तुला राशि का मित्रों बारवा चंद्रमा, कन्या का चंद्रमा बारवा हो गया। बारवा चंद्रमा आकस्मिक खर्चे को बढ़ाएगा, कर्ज नहीं लें, कर्ज लेना पड़ सकता है, कर्ज के लोन योग बन रहे हैं, लेकिन बारहवें चंद्रमा में और मंगलवार के दिन व्यक्ति को कर्जा लेने से बचना चाहिए, जहाँ तक आओ बच सके, नहीं अति आवश्यक हो तो लेना ही पड़ता है, योग बनेंगे तो आपका दिन शुभ हो। अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि का ग्यारहवा चंद्रमा शानदार समय बना रहा है, कई जगह से आपको आय होगी, दो से अधिक स्थानों से आपको धन प्राप्त हो सकता है, तो जहाँ जहाँ आने की संभावना है आप टटोल लें और आय अर्जित करें, आपका दिन शुभ हो। अगली राशि धनु। धनु राशि का दसवां चंद्रमा, धनु राशि काल पुरुष की नवी राशि है, जो अग्नि तत्व की राशि है, उसका स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति जो है धनु राशि का चंद्रमा, दसवां चंद्रमा धनु राशि के लिए, दसवां चंद्रमा कार्य क्षेत्र को मजबूत बना रहा है, मन में उत्साह बना रहेगा और काम सफल होंगे, आपका दिन शुभ हो। अगली राशि मकर। मकर का नवा चंद्रमा धार्मिक यात्रा के योग बना रहा है, छोटी मोटी धार्मिक यात्रा होगी, देव दर्शन हो गए, मन प्रसन्न होगा, आपका दिन शुभ हो। कुंभ राशि। कुंभ राशि का आठवां चंद्रमा काम में अड़चन पैदा करेगा, वो काम में रुकावट होगी, ज़्यादा ऊर्जा लगाकर काम करना पड़ेगा, मन मुटाव होगा, इसलिए माँ भगवती के दर्शन करके अपना कार्य प्रारंभ करें। इसके बाद मीन राशि। मीन राशि जो है उसमें नए अनुबंध होंगे, मीन राशि का आज लाभ के अवसर बन रहे हैं, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और खर्चे प्रसाधन और अत्याधुनिक जो है चीज़ों पर आपके खर्च होंगे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।